छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। हाँ तो कैसे आना हुआ तारा बाबा? तानी बेगम, मरीख से जदीद आला लाया हूँ। मरीख से आला? कैसा आला? झूठ पकड़ने वाली मशीन। हैं? ऐसी भी कोई मशीन होती है क्या? होती है, है, दरियाफ्त हो चुकी है। कितने की है तारा बाबा? थोड़ी महंगी है, लेकिन क्या कमाल चीज है। मेरे ख्याल से आपको जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं तारा बाबा, मुझे लगता है मुझे अभी ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे बीबी यार, मशीन खरीद लो, टारगेट पूरा हो जाएगा। है? कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, असल में आज नहीं कल तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और मुझे तो लगता है ये गुलाम साहब ना आपसे बहुत झूठ बोलते हैं। अरे नहीं नहीं तारा बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लोग जबरन ही सही, मगर बोलते हैं मुझसे सच है। फिर भी अगर मुझे जरूरत पड़ी ना तो मैं खरीद लूंगी आपसे मशीन। चलें, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि मेरे लायक और कोई हुक्म? बस मैं तो ये कह रहा था, जरा घर वालों से होशियार रहो, बहुत झूठ बोलते हैं ये। वैसे आपकी मर्जी, आगे मशीन मेरे पास बस अब एक ही पीस रह गया है। तारा बाबा, मेरे घर के लोग मुझसे झूठ बोलते हैं? अच्छा चलें ठीक है, वो फिर मशीन आप मुझे दे दें। ये बताएं कि वो कितने की है वो मशीन? अब आपसे क्या कितने कुतने करना, ये एक काम करिए, ये सारे ही दे दें मुझे, बस ठीक हो गया। तो मेरा बंदा ना शाम को आके ना मशीन दे जाएगा, और अपना टाइम ट्रैवलिंग फीस सब इसी में से पूरी कर लूंगा। सच बताएगी ना? अरे जबरदस्त सच बताएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब पता चलेगा कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है मेरे साथ। यार लड्डू थक गया यार, भाई बहुत थक गया। सही कह रहे हैं ससुर जी, हाल बुरा है, गर्मी भी तो बहुत ज्यादा है। यार देख भाई लड्डू, अगर आपने इस काम में कोई बचत नहीं होती तो ये काम करना हमारे लिए अजाब हो जाता है यार। पते की बात की है ससुर जी आपने, अगर अपने खांचे ना लगे ना तो बस अजाब लगे ये काम में। अच्छा ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, वो हिस्सा निकालो। हिस्सा? कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा? अबे वो रुपए पैसे, रोकड़ा 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 भाई। एक मिनट निकाल रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अबे सिर्फ 1000 रुपए यार? अरे ससुर जी शुक्र करें ये भी बच गए। अबे नहीं भाई, नहीं है भाई, है मुझे यकीन नहीं है भैया। मतलब आप अपने लड्डू पर शक कर रहे हैं? हाँ। मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ। अपने दामाद पे? हाँ। लड्डू 1000 तो दे दो यार, अब इतना भी मजाकिया नहीं हूँ मैं, शरारती हो। चुप करके ले लिया करो, सच बोलता हूँ तुमसे। नहीं पैसों की, नोटों की खुशबू ही कुछ और होती है यार। देखो 1000 की खुशबू कुछ और है, चेक करा। 500 की खुशबू कुछ और है, 5000 रुपए की खुशबू कुछ और है। 100 वाली मुझे पसंद नहीं है। अबे हमें क्या, फकीरों को ही पसंद नहीं है। यार मुझे अभी से मांगियो नहीं, मुझसे नहीं दोगे मुझे। गुलाम जी, जी जी बेगम साहबा, आ गए आप सौदा लेकर? हाँ अभी लेके आए हम लोग। तो लाइए बाकी पैसे दीजिए। बकाया पैसे? अरे क्या हो गया, मैंने कोई आपकी जान नहीं मांग ली है, बाकी पैसे मांग रही हूँ। बेगम जान तो वैसे ही आपके कब्जे में है, अब रही बात पैसों की तो वो तो बचा ही नहीं। क्या मतलब? कितनी महंगाई चल रही है बेगम, पैसे कहाँ बचते हैं अब? ऐसी भी कोई खाना जंगी नहीं हो गई जो महंगाई बहुत हो गई है, पैसे दें बाकी। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा, वो भी पैसों के मामले में? सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं। जी सिर्फ मतलब क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। देखिए बेगम मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपसे शायद ही कभी झूठ बोला हो। खैर ये तो वक्त बताएगा, अभी तो आप ऐसा करें कि मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाएं। जी लेके आता हूँ।
जल्दी आइएगा जी जी। कोई काम कह दो घंटों लगा देते हैं। लड्डू कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। क्यों क्या हो गया हनी? एक शौहर ने अपनी बीवी से तंग आके खुदकुशी कर ली। बेचारा, उसका दुख समझ सकता हूँ मैं। हाँ? तुम्हें दुख हो रहा है? हाँ, बहुत दुख हो रहा है हनी। कटती मुर्गी का दर्द मुर्गी समझ सकती, काटने वाला थोड़ी समझ सकता है। क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने? मैंने कहा ये, मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा कि वो उस आदमी को खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी, वो भी अपनी बीवी से परेशान हो गए, ये भी कोई करने वाली बात थी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सच्ची तो कह रहा हूँ, गलत थोड़ी कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी तंग नहीं हो। क्या बात कर रही है हनी आपने, मैं आपसे तंग कैसे हो सकता हूँ? आप कसम ले लें, मम्मी जी की कसम। अच्छा बस बस, मेरी मम्मा की कसम मत खाओ, मुझे तुम पे यकीन है। अच्छा ये तो फिर अच्छी बात है, अगर आपको मुझ पे यकीन है, यकीन रखिएगा हमेशा, आज भी कल भी परसों भी, ठीक है? अब अच्छा काम करो, जाओ और मेरे लिए अच्छे से जूस लेके आओ। अनार का लाऊं या मौसम्बी का? दोनों। अच्छा मैं बस यूं जाऊंगा, यूं आऊंगा और आपके लिए जूस भी लाऊंगा, ठीक हो गया? तो उठो ना। अच्छा मैं जाता हूं। जाओ ना। हां जी। इतना मासूम नहीं है ये, कोई चक्कर है? इतना मासूम तो हो ही नहीं सकता, क्या लगाना पड़ेगा। हनी मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा ना मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं। जी मामा आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि लड्डू मुझसे सच कम और झूठ बहुत ज्यादा बोलता है। मगर मामा ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं हम करें क्या। तारा बाबा के पास ना एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है, वो मरीख से लेकर आए हैं, मुझसे पैसे लेकर गए हैं, वो मशीन भेजेंगे हमें। अरे वाह ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। मगर इस बात को अपने तक रखना, अभी किसी को पता ना चले, वरना ये ना कुछ करके ना हमारा काम खराब कर देंगे। अरे मामा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, अब ना हम दोनों को चेक करेंगे। हाँ अब पता चलेगा इनके दिलों में क्या है, कितना झूठ बोलते हैं ये हमसे। क्या हो गया इतनी जल्दी, काहे को यार क्या हो गया? अरे ससुर जी मम्मी को झूठ पकड़ने वाली मशीन मंगवा रही है। अच्छा अच्छा, झूठ पकड़ने वाली मशीन, कसम से? हाँ मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या सुना, क्या सुना? यार लड्डू यार अब क्या होगा यार, सुनिए हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अबे सामने जाते ही तुम्हारी बाबी जी मशीन से लगा के बिठा देंगे मुझे, और उससे हमारे पता नहीं क्या क्या चेहरे सामने आएंगे, हमारे तो सारे पोली खुल जाएंगे। लड्डू अगर हमने एक दूसरे के बारे में सब जान लिया तो? अरे ससुर जी हम तो एक दूसरे के पार्टनर है ना, हम एक दूसरे के बारे में क्यों कहेंगे? फिर भी मेरे बारे में अपनी राय तो बताओ यार। नहीं नहीं ससुर जी रहने दें। अबे ये ना घर यार, शर्मा क्यों रहा है यार, बता रहे यार मेरे बारे में राय बता क्या। ससुर जी हाँ पक्का? हाँ क्या बताऊं तुझे, हाँ क्या बताऊं, तूने अपनी जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं, उल्टा यहां लाके मुझे फंसा दिया। तुझे पता है तुझे देखकर क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे एक बेबस मूंछों वाली कहर ज्यादा अफ्रीकी औरत जो कुछ ना कर सकी अपनी किस्मत पर रो रही हो। ऐसी जिल्लत की जिंदगी गुजारने से अच्छा इज्जत की मौत मर जा। मेरा बस चले ना तो अपने इन हाथों से तेरा गला दबा के ना तुझे मोड़ दूं और तुझे कहीं दफनाऊं भी नहीं, कचरे में डाल दूं, समझा? आपने कुछ सुना तो नहीं ससुर जी? अब कहां सुना, तू कुछ बोल ही नहीं रहा यार, सिर्फ इशारे कर रहा जा रहा है यार, दीवारों से बातें कर रहा है, क्या है? अच्छा हुआ ससुर जी रहने दे, आप मुझे बताएं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तेरे बारे में? हाँ देख ले। हाँ बताएं बताएं ससुर जी। एक नंबर के चीटर की औलाद, पूरा खानदानी चीटर हो तुम लोग। अबे एक ही बेटी थी मेरी, वो भी मैंने तुझे तुझे से चीटर को दे दी। तू और तेरा बाप चीटरों का बादशाह है। अबे तुम लोगों का बस चले मरे हुए इंसानों को बेच के खा जाओ। अबे तुम्हारे आने से पहले मैं कितना सुकून में था,
छोटी छोटी चोरियां सिखाई है तूने मुझे। सब्जी से पैसे कैसे चुराते, गोश्त में कैसे पैसे चुराते। 3 किलो गोश्त लो तो 4 किलो बताओ, 4 किलो के पैसे लो। कौन रह गया है लूटने से, किसको लूटना है, किससे खांचेबाजी करनी है, किसका पैसा लूट कर उसकी जेब का पैसा अपनी जेब में रखना है। अब मैं ये सोचता हूँ ये, और ये है तेरी असली औकात, तू कभी नहीं बदल सकता। कुछ सुना तूने? हाँ नहीं। दफा करो यार, दफा करो, जब वो मशीन आएगी तो देखा जाएगा यार। हाँ जब मशीन आएगी तो देखेंगे। मामा ये वाला देखें, ये मुझे चाहिए। कौन है भाई तुम? मैं हूँ ऑन। अरे ऑन नहीं, डॉन होता है डॉन। अरे मेरा नाम है ऑन। ओहो तो किस सिलसिले में आए हो? मशीन लेके आया हूँ। तो मशीन कहाँ है? इस डिब्बे में है, ये ले। अब रोज जूस बनाइएगा और पीजिएगा। जूस? जूस वाली मशीन बोली थी ना आपने? अरे हमने जूस वाली नहीं, हमने झूठ पकड़ने वाली मशीन बोली थी। ओ लो जी, देखो मैं जूस वाली मशीन ले आया। अभी गाड़ी से जाके दूसरी मशीन लेके आ रहा हूँ। ये देखिए अभी आया, झूठ वाली मशीन ले आता हूँ। जल्दी लाओ भाई। जा। क्या बेवकूफ लोगों से पहला पड़ जाता है। अच्छा छोड़े मामा। अरे रुक जाओ भाई, मशीन लाने दो उसे पहले। मुझे चाहिए। कैसा है तू यार? बेहतरीन, तू बता कैसा? यार क्या कर रहा था? मशीन देने आया था यार। अभी तू मेरे पेट पे लात मारने आया? क्या कह रहा है यार, अपने पेट के लिए काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मशीनें बेच रहा हूँ। वैसे बात सच से बता, ये मशीन वाकई सब कुछ सच से बता देती है। मुझ पे चेक कर ले यार तू। नहीं ना, तू तो मेरा पक्का वाला दोस्त है ना, तुझसे बोलूंगा तो मेरे मुंह पे सब कुछ सच से थोड़ी बोलेगा। तुझे ऐसा लगता है यार, तू अभी एक दफा पूछ, सब कुछ सच सच बोलूंगा यार मैं। कहाँ कर लूँ? हाँ ना। सच्ची में? हाँ ना। चल छिड़ो यार। निकम्मे निठल्ले इंसान, बेवकूफ, 2% की तेरी औकात नहीं है, अपनी निकर तो खरीद नहीं सकता है, और तू सास और अपनी बीवी के पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, दुख तेरे की। ठीक होगी ना? अच्छा था। अब जाऊं? जा। जब भी। बाय। जी तारा बाबा, जी हाँ मशीन मिल गई है। जी ठीक है, मैं समझ गई, ये दरमियान वाला बल्ब जलेगा तो इसका मतलब ये है कि बंदा झूठ बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं चेक करती हूँ। जी ठीक है, फिर बताऊंगी। चलो हनी लाओ मशीन चेक करें। अच्छा तो फिर मैं पापा को बुला लूं? पापा को? मगर क्यों, पापा को क्यों? क्या मामा, ये मशीन आपने मेरे लिए थोड़ी मंगवाई है, पापा के लिए मंगवाई है ना, तो बस जिसके लिए मंगवाई है उसको बुला लेते, बुला लो। हाँ बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। गुलाब, गुलाब। जी 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 बेगम। इधर आए, इधर बैठे मेरे पास। क्यों 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 बेगम क्यों? भाई मैंने ये सच बोलने वाली मशीन मंगाई है, आप पर लगाकर चेक करूंगी मशीन ठीक है या नहीं। तो मैं तो रोटी लेने जा रहा हूँ ना। ओहो ऐसी भी क्या जल्दी है गुलाम, इधर बैठे मेरे पास। बेगम सालन गरम गरम है, तो गरम गरम रोटी आएगी, खाने में मजा आ जाएगा। कैसी बातें कर रहे पापा, थोड़ी सी देर की तो बात है, बैठ जाइए ना, बस ये चेक करूंगी। और क्या आए ना? नहीं पहले खाना, बाकी चीजें बाद में, पहले गरम रोटी सब बाद में भाई। अरे गुलाब बात तो सुने, हद हो गई। बताओ बात सुने बगैर ही चले गए? जरूर कोई बात है। मामा आपको चेक करूं? नहीं नहीं नहीं, रखो ना, जिनके लिए मंगाई है उन पर ही चेक करेंगे। आ जाए जरा ये। ससुर जी कहाँ भागे जा रहे हो, किधर बाहर क्या कर रहे हो? वो मैं रोटी लेने जा रहा हूँ। अरे कौन सी रोटी, कैसी रोटी, ये रही रोटी, मैं लेने निकला था रोटी, तुम किधर रोटी लेने चले हो? सच बताओ। लड्डू मशीन आई ना मशीन। हाँ यार उसमें बिठा के मुझे चेक करना चाह रहे हैं वो लोग। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो लेकिन कब तक बच सकोगे उससे? यार लड्डू अब बताना क्या करे यार, तू बताना। चलो
चलो चलो। नहीं भाई नहीं, कैसी बातें कर रहा है यार नहीं। अरे ससुर जी मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है तुम्हें बचाने की, चलो ना। अबे यार मरवा मत देना यार लड्डू यार। अरे क्यों फिकर करते हो, मैं हूँ ना। अबे यही तो सबसे बड़ी फिकर की बात है कि तुम हो। चले सांस ले लो जरा, ले ले चले एक सांस। चल 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 आयो चल आयो। तो ये लगाओ यहाँ पर ये। हाँ अब बताओ कि क्या तुम जिंदगी भर मेरी खिदमत करोगी? हाँ करूंगी। हनी झूठ। मामा ये देखें ये लोग दोनों आ गए, आप एक काम करें इनको लगाएं, इनसे चेक करवाएं, ये ले। नहीं नहीं रुको मामा, लगाओ भी इसको, चलो चलो लगाओ लगाओ। मगर वो चलो अब ये बताओ कि इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा क्या मुझसे प्यार करती हो? अरे जाहिर से बात है मामा, मैं आप ही से प्यार करती हूँ, आपसे प्यार नहीं करूंगी तो और किससे प्यार करूंगी? हनी मामा माँ ये मशीन खराब है, आप एक काम करें इसे उठाएं और बाहर फेंक दें, खराब है। हाँ ना मम्मी जी, आपके अलावा हनी का इस दुनिया में है ही कौन? अच्छा मैं हूँ ना इसका वालिद। हाँ हाँ आप हैं, आप वालिद ही हैं। अगर आपकी काम से कच्ची हाँ लड्डू तुम बिल्कुल ठीक बोले हो, ये मशीन खराब है, ये हो ही नहीं सकता सही है, मामा फेंक दें इसे। मम्मी जी ससुर जी को बैठा दे, ससुर जी आप बैठे। हाँ ससुर जी मैं कह रहा हूँ ना बैठिए आपको भी देख लेते हैं। चलिए चले लगाएं लगाएं शाबाश। चलिए अब ये मुझे बताएं कि आप सारी जिंदगी हमारी खिदमत करेंगे ना, हमें छोड़ के भागने का इरादा तो नहीं है आपका? हरगिज नहीं। देखा देखा ना मैं कह रही थी ना मशीन बिल्कुल ठीक है। मम्मी जी अब तो साबित हो गया कि ये मशीन बिल्कुल खराब है, अब आप खुद बताएं ससुर जी आपको और इस घर को छोड़ के कहां जाएंगे? हैं है ना, उनको आते ही क्या है सिवाय इस घर की गुलामी के, ससुर जी को कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। मामा मैंने तो पहले ही कहा था ये मशीन खराब है, फेंक दे इसे। नहीं ना यार नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मम्मी जी आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मशीन आपने कहाँ से ली थी, किससे ली थी? अरे तारा बाबा से, और किससे? मैं तो तारा बाबा को बुलाए, फोन करे बुलाए उनको। हाँ ये ठीक है मैं फोन करती हूँ तारा बाबा को। हेलो जी तारा बाबा आप फौरन आ जाएं जी, जल्दी पहुंचे। ठीक है आ रहे हैं तारा बाबा। बोले बच्चा क्या मसला है? तारा बाबा ये सब लोग कह रहे हैं कि ये मशीन खराब है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब आप मशीन पे बैठ गए ना, अब होगी आप पे ट्राई। हाँ ये ठीक है तारा बाबा, ये ले आप लगाएं। मैं हाँ हाँ लगाएं लगाएं, अभी पता चल जाए। ठीक है देखो सवाल मैं पूछूंगा। हाँ बिल्कुल ससुर जी सवाल पूछेंगे बिल्कुल। पहला सवाल ये है जी जी जी, ये जो आप अपना इल्म लोगों को बताते हैं वो सच्चा है या झूठा? अरे बिल्कुल सच्चा और खरा इल्म है। झूठ झूठ। तारा बाबा देखा मामा देखा, मैंने कहा था ना ये मशीन खराब है, फेंक दे इसे उठा के। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये। तारा बाबा बताइए ना। नहीं 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 देखा खराब है मशीन, देखा तुमने देखा मशीन खराब है खराब है खराब है। अबे मशीन आ गई। अरे तारा बाबा भी गायब मेरे पैसे। मशीन ली थी। नया काम शुरू करे ना इस सिलसिले में आ रहे हैं। अरे तो फिकर ही नहीं करें, ऐसे ऐसे मशवरे देंगे हाँ के भाग जाएंगे। ये वो दवाई नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो भी कौन सी दवाई है भाई? ये दिमाग तेज करने की दवाई है मियां, पूरे साल के लिए नहीं चाहिए, बस एक बार के लिए ले आओ। हैं? मैंने कहा था ना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है प्यारे मियां, वैसे तो लड्डू तेरा दिमाग वैसे ही चलता है मगर ये पीने के बाद ना टुक 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 दौड़ेगा। लड्डू नहीं खाना मैंने, बस चाय। अरे लड्डू मेरे शोहर का नाम है। कुछ भी करें ससुर जी मुझे बचा ले। अरे तो मैं क्या करूं यार, मैं क्या आंखों का डॉक्टर हूं यार। ये जो दवा नहीं खानी थी वो खा ली है, अब जो खानी है वो खा नहीं रहे, ये इंसान है गधे? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। ये दिमाग तेज करने वाली दवा खाई थी, अंधा हो गया था अंधा। जरूर किसी फराड़ी से वास्ता पड़ा है आपका।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।